ज़िला सांगढ़ जिसकी आबादी 21 लाख अफराद पर मुश्तमिल 6 तालके हैं, जहाँ पर ज़रात के साथ साथ गैस और तेल की दौलत से माला माल जैसे ज़िला, लेकिन जहाँ की आवाम आज तक जहाँ पर तमाम बुनियादी सहूलतों जिनमें तालीम, पीने का साफ पानी, सेहत समेत दीगर मवासलात की अगर सहूलतें देखी जाएँ तो ना होने के बराबर हैं। लेकिन अगर दूसरी जानब देखा जाए तो सिंध में बनने वाला मोहम्मद खान वज़ीर आज़म बने, जबकि जाम सादिक अली यहाँ पर वज़ीर आला सिंध 1992 में बने। 3 साल तक वज़ीर आला रहने के पर उन्होंने यहाँ पर अरबों रुपये की लागत से यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए गए। PS 81 जहाँ पर 3 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं, अरबों रुपये की अगर लागत से देखा जाए तो यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना दिए गए, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कि इस वक्त फाल हो। उनमें से एक और प्रोजेक्ट हॉस्पिटल्स भी है, जिस पर 6 अरब रुपये की लागत से यहाँ पर जदीद मशीनरी के साथ इस हॉस्पिटल्स को बनाया गया, लेकिन जगह सही ना होने के बिना पर यह हॉस्पिटल फाल ना हो सका, जिसके बिना पर आज हुकूमत की जानिब से अरबों रुपये लागत से यहाँ पर लगे हुए प्रोजेक्ट तमाम के तमाम रिजेक्ट हो चुके हैं। जहाँ मदद अली खान की जानिब से पीपल्स पार्टी में शमूलियत, जबकि जाम नफीस अली खान की जानिब से फंक्शन लीग की जानिब से 6 अप्रैल को यहाँ पर दोबारा इलेक्शन लड़ा जा रहा है, लेकिन यकीनी तौर पर जो भी जीतेगा उसका ताल्लुक जाम खानदान से होगा। दोबारा जहाँ पर अरबों रुपये के प्रोजेक्ट लगेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा आवाम को होने के बजाय यकीनी तौर पर चंद ठेकेदारों को और चंद लोगों को होगा। ज़रूरत समर की है कि अगर हुकूमत सिंध चाहती है कि जहाँ पर तरक्याती काम हो तो ज़रूरत समर की है कि इससे पहले यहाँ पर जो तरक्याती काम हुए थे अरबों रुपये के जहाँ पर लागत से जो प्रोजेक्ट लगे थे उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके जिम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि कौमी दौलत को लूटने वालों को का एहतसाब हो सके। यहाँ पर तभी एहतसाब होगा जब जाम नवाज अली का इस हल्के में यहाँ पर अरबों रुपये की लागत से जहाँ पर प्रोजेक्ट लगाए गए थे उसका भी हिसाब होना चाहिए कि कौमी दौलत को किस तरह से लूटा गया। अगर इस तरह से कौमी दौलत को ना लूटा जाता तो यकीनी तौर पर ये अरबों रुपये के प्रोजेक्ट अगर सांगढ़ शहर में लगते तो यकीनी तौर पर सांगढ़ के आवाम को इसका फ़ायदा होता है। जी।